जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल छुरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी नौटंकी। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हमने मंगाया Amazon से गेमिंग हेडफोन जो है यूनिक्स कंपनी की। और चलिए फिर शुरू करते हैं, इसका डब्बा खोल खेला देखते हैं क्या निकलता है। होता है ब्लास्टर या होता है टाइटाई फेस। ओवरऑल डब्बा तो बढ़िया दिख रहा है, तो चलिए खोलते हैं इसकी पैकिंग। डीप बास, इजी वॉल्यूम एडजस्ट, सॉफ्ट ऑन क्यू, पोर्टेबल माइक्रोफोन। ओवरऑल ये हेडफोन ब्लूटूथ तो नहीं है। और ये रही इसकी डिटेल, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। खटर पटर छोटर मोटर अच्छी चीज़ें दी गई है। सो ओपनिंग करते हैं। दिखने में तो काफ़ी अच्छा सा है, लाइटिंग के लिए भी दिया गया है, वाओ माइक भी दिया गया है। दिखने में आपको कुछ एक एयर पायलट की तरह लगाने के बाद दिखेगा। और साथ में ये आपको दो केबल दिए हैं, जिसमें एक है 3.5 mm जैक और साथ ही एक लाइटिंग पॉट आपकी लाइट के लिए। सो इसे और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। साथ ही आपको दो साइड में यूनिक्स कंपनी के लोगो दिखेंगे और क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है। तो चलिए इसको हम प्ले करके सुनते हैं कि कैसा बजता है। करते हैं, हालांकि लाइटिंग के लिए हमने पावर बैंक का यूज किया है, लैपटॉप थोड़ा हमारा बीमार है। साथ में आपको दिया जाता है ये ऑडियो जैक, अगर आप लैपटॉप से भी डायरेक्ट सुनना चाहते हैं या होम थिएटर वगैरह से भी तो आप इसको सुन सकते हैं। चलिए इसको यूज करते हैं, पहले पहना जाएगा इसको। ओके, हालांकि मेरा फेस थोड़ा छोटा है और ये हेडफोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो इसके जैक को मोबाइल में लगाया जाएगा। ओके, और इसको लगाने के बाद कुछ एक अजीब टाइप की फीलिंग आती है, जैसे मैं पायलट हूँ बहुत बड़ा वाकई। और हमने ये गीत बजा दिया है, नॉट सपोर्टिंग माय मोबाइल। और ये अच्छा, वो कैमरा ऑफ कर रखा था तो ये बज रहा है। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये इसका सेटअप है, इससे आप साउंड बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा थोड़ा जूम करके दिखाए। ये इसका ऑन ऑफ स्विच और साथ ही इसका वॉल्यूम अप डाउन रॉकर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और गाना प्ले करते हैं कोई भी। ओके, इसकी सॉन्ग प्ले तो अच्छा है ओवरऑल दूसरे हेडफोन की तरह, लेकिन इसका जो गेमिंग व्यू है गेमर्स के लिए एक वरदान सा साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी माइक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये साथ ही गेम के लिए साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। जिधर से जो साउंड आता है वो कंप्लीट आता है और हो सकता है पबजी वालों के लिए वरदान साबित हो। जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, पबजी खेलते हैं या जो भी लोग हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, ये बात तो है माननी पड़ेगी।
और हाँ दूसरा मैं एक बात बता सकता हूँ, अगर आपके पास लाइटिंग के लिए कुछ रहा तो मेरी तरह पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल ये पबजी वालों के लिए बहुत अच्छा है, बाकी नॉर्मली इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, मैं ये तो नहीं कहता बहुत अच्छा है क्योंकि साउंड क्वालिटी नॉर्मल है, बट गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि आप पैसे अगर गेम के लिए खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, बाकी साउंड क्वालिटी ओके ओके। तो थैंक यू दोस्तों, आज का मेरा जो ये रिव्यू था इस गेमिंग प्रोडक्ट के लिए वो यहाँ समाप्त किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।